हाथरस में हुई बड़ी घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आज पूरा भारत देश हाथरस की घटना पर दुखी है, क्योंकि दुख इसलिए है क्योंकि हाथरस में हुई घटना पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद दुखद खबर है। शायद ही उत्तर प्रदेश में पहले ऐसी घटना हुई हो जहां पर 200 से भी अधिक महिला बुजुर्ग और महिलाओं की जाने गई हों। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमर कस ली है और आज सुबह 10 बजे योगी बाबा अब हाथरस में आ रहे हैं और पूरी घटना की जानकारी अब वो लेने वाले हैं। एक्शन मूड में अब बाबा योगी आ गए तो समझो जो दोषी हैं उन दोषियों का जेल जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि बाबा अपने मूड में आते हैं तो फिर किसी को नहीं छोड़ते और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बेटों ने अपनी माओं को खो दिया तो वहीं बहुत सी माओं ने अपने बेटे को खो दिया है। ये आंकड़ा 200 से पार भी जा सकता है। जी हां साथियों, आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसे मौत के प्रवचन और भी होते हैं जहां पर लोग इकट्ठा तो होते हैं लेकिन उस भीड़ का हिस्सा भी बन जाते हैं। आखिरकार ऐसे कार्यक्रम होते ही क्यों हैं और ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती? क्या पुलिस प्रशासन इसकी व्यवस्था नहीं करता या फिर जो आयोजन करता है उनकी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं? ये भी सोचने को मजबूर करती है। लेकिन आखिरकार सवाल ये उठता है कि ये 200 से अधिक मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या बाबा इसका जिम्मेदार है या फिर इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन आज जब 10 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हाथरस पहुंचेंगे तो उनका क्या रवैया रहता है, किस एक्शन में वो दोषियों को सजा दिलाने का कार्य करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों एक बात तो तय है कि हाथरस की ये घटना पूरे भारत देश में एक काला दिवस के रूप में मनाई जाएगी, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई है वह दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक काला दिन है। साथियों इतनी बड़ी घटना शायद ही उत्तर प्रदेश में हमारे इतिहास में कभी हुई होगी कि एक साथ 200 से भी अधिक लोगों की जानें चली जाएं। साथियों हाथरस की घटना बहुत दुखद है, इस घटना को लेकर कौन जिम्मेदार है आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।